अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्दुल वली टेक। गाइस, रात को हम केरन आ गए थे। ये केरन आइलैंड के नाम से कोई जगह है, मुगल स्टार रेस्टोरेंट में हमने रात को इधर क्याम किया। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हमारा रूम और सब साथी अभी तैयार हो रहे हैं। अभी आपको बाहर से दिखाते हैं दरियाए नीलम का। और डॉक्टर साहब तो तैयार होते हुए आ गए, सॉरी डॉक्टर साहब पता नहीं चला अच्छा ये दरिया चेक करें, दरियाए नीलम माशाल्लाह, ठंडा बर्फ वाला पानी था, बर्फ वाले पानी से सब कुछ हुआ है जो कुछ हुआ है। और ये देखें, ये माशाल्लाह वादी, चांद अभी तक नजर आ रहा है। ये दरख्त, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तकरीबन हम लोग सुबह सुबह ही तैयार हो गए। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, रात को जिधर से हमने मटन कढ़ाई खाई थी उधर हम दोबारा नाश्ता करेंगे और आगे आज इंशाल्लाह बाग की तरफ जाएंगे। और ये हमारा दूसरा रूम था लेकिन इसको हमने अवेल नहीं किया, लकड़ी के बने हुए घर एज यूजुअल। और फ्रेंड्स वेरी सॉरी, कल हमने आपको बहुत उधर की जिधर हमने कढ़ाई खाई थी निज़ामिया रेस्टोरेंट पे, उधर काफ़ी अच्छा अपनी बैठक की गपशप जो थी वो रिकॉर्डिंग हमने आपको दी। काफ़ी देर तक हम रिकॉर्ड करते रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हमारा बैटरी ख़त्म हो गई। और ऐन मौके पे जब कढ़ाई आई तो हमारे पास बैटरी नहीं थी, इसलिए हम आपको वो कढ़ाई नहीं दिखा सके। बहुत अच्छी कढ़ाई थी, मटन कढ़ाई निज़ामिया रेस्टोरेंट वालों की। अकबर अवान साहब, सिराज अकबर अवान उनके मालिक का नाम है और बहुत अच्छे बंदे हैं। और बड़ा अच्छा था, तो आज फिर आपको साथ साथ सारा अपडेट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्दुल वली टेक। गाइस ये देखें, मुगल स्टार रेस्टोरेंट नीलम वैली, जहाँ पे मैंने भी बताया आपको कि हमने यहाँ पे रात को स्टे किया है। और माशाल्लाह यू कैन सी द वैली बिहाइंड मी। बहुत ज़्यादा सर्दी थी रात को, टू मच कोल्ड। और ये हम आपको थोड़ा सा वैली का व्यू दे देते, ये चेक करें। ओके, सो ये हमारी बाइक्स, तैयारी हमारी मुकम्मल है। ओके फ्रेंड्स, सो आप अभी नाश्ता जहाँ पे करेंगे वहीं पे करना है जहाँ रात को मटन कढ़ाई खाई थी, साथ साथ आपको अपडेट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ। दरिया नीलम भी दिखा दें आपको, वाह जी वाह, चेक करें, पुराने मॉडल चलते हैं टोयोटा के ज़्यादातर पहाड़ों में, नॉट श्योर वाई एंड दी जीप। मोहम्मद हुसैन भाई कोई कमेंट्री आप करना चाहते हैं आज सुबह सुबह? वैसे बाहर लाइटिंग में ज्यादा कमेंट्री लेंगे आपकी। जनाब हम रात केरन में, हमने रात यहाँ पे रहे हैं और हमारे बिलाल साहब जो है वो आहो बकरा पाड़ा है और फिर बकरे ने रात इनको तंग किया है, तो फिर ये अकेले थे तो इसलिए रात निकल गई है। अल्लाह ये बड़ा समझाते रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पर अगला बेजुबान होता है, कम अकल होता है, नहीं बात की समझ लो। तो सीरियल सेंड की थी ना, अपराध बन के सुन ली यार, मुंह तो कर लो, मुंह तो उनके तक नहीं, मेरे को लग गया है डबल आएगा जाएगा, लेकिन काफी चीजें होंगे। मैं दो दो चीजें लेती हैं सर, वो ले आती है वजह से, मैं कहा यार थोड़ा दो दिन दिन दस दो है आराम से चल जाएगी, वो सारी पा लिया लेकिन
नहीं कम नहीं आ रहा यार नेचर से है कम कर मछली लाई एक स्टार बुलाया मैं बड़ा बुलाया यकीन करो जिस भी फंक्शन में चले जाइए ना साड़ी उम्र में तो थोड़ा जो बड़ा ही होएगा उन्हें घूमन फिरने का बड़ा शौक है और दौड़ दौड़ के काम करता है यार ले आओ यार इतना काम करता जी सानू सारे नु उठाएगा सारे नु खाना खाएगा अलग अलग उन्होंने इतना वफद डिजाइन दिता है इतना वफद डिजाइन दिता है लॉर्ड से और ये दो मतलब दो या तीन आदमी गए ब्रांड के जो काम कर रहे हैं पत्थर से ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਰ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਦ ਬਾਟੇ ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਨਾ ਨਾ ਕੋ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਡਨ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਲਾਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ अगले इतवार है ना साडा फार्म दे उत्ते कैंपिंग है नाइट कैंपिंग है अपना नाम बताए तारुफ करवाए जगह का कुछ तारुफ करवाए मेरा नाम अब्दुल गेस्ट हाउस किनारी ये जगह कौन सी अपनी किनारी है किनारी जी तो इधर 10 किलोमीटर के फासले के आगे सही सही और अपना इधर बताएं आपकी इधर कौम के बारे में बताएं थोड़ा सा के वैसे तो कश्मीरी हम जानते हैं कश्मीरी ये मॉल गेस्ट हाउस ये जगह का नाम है गेस्ट हाउस का नाम है केरन से थोड़ा आगे 10 मिनट का फासले तो केरन बेसिकली क्या चीज है केरन में भी ये थोड़ा ये है कि टूरिस्ट सिस्टम है आगे दरिया के सिस्टम में आगे कश्मीर क्या नाम है मकबूजा कश्मीर आ गया सही सही अच्छा वो इधर से करीब ही है सलामुअलैकुम सही सर ये आपकी क्लिक्स माशाल्लाह आप अपने कैमरे से क्लिक करवाना चाह रहे थे मोहसिन भाई जी बिल्कुल वो करवा लीजिएगा भी सामान मान के जी ठीक ये है ये मैंने आपकी वो वाली क्लिक्स ले ली है ये दूसरी वाली थैंक यू मुस्लिम नहीं जानवर वगैरह नहीं जी चढ़ाई चढ़ते वगैरह जी जी अच्छा माशाल्लाह स्कूल जा रहे हो जी क्या नाम है बेटा आपका हाउस वालेट तो कितनी दूर है यहाँ से आपका स्कूल थोड़ा सही है आधा घंटा पैदल जाते हो रोज पैदल जाते नहीं, नहीं, गाड़ी चली गई है तो इधर पीछे रहायश किधर है आप लोग की इलाका का क्या नाम है अच्छा करीब से ही जा रहे हो तो कैसा स्कूल है स्कूल के बारे में कुछ बताओ यहाँ स्कूल कैसे होते हैं ठीक ही है तो इधर यूनिफॉर्म नहीं होता स्कूल का आज हो गया ना था इसलिए चलो किस क्लास में पढ़ते हो क्लास 8 शाबाश थैंक यू बहुत शुक्रिया शाबाश बेटा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू अब्दुल वली टेक गाइस हमारे साथ माशाल्लाह फरूक मुगल साहब आजाद कश्मीर सर इलाके का क्या नाम है नीलम नगदर किनारी नीलम नगदर किनारी में ये मुगल स्टार रेस्टोरेंट के ओनर है माशाल्लाह इन्होंने रात को हमें यहाँ पे ठहराया है और हमारी मेहमाननवाजी की है माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है ये मैं आपको इनके रेस्टोरेंट का भी थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं इनके नंबर्स वगैरह लिखे हुए इधर नीलम किनारी और इसी गेट तो
फारूक भाई आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं, अपने इलाके के बारे में, अपने रेस्टोरेंट के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आएँ यहाँ पे ठहरे, लेकिन हम जिस तरह आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं हम शायद उस काबिल नहीं हैं। ये सारा कुछ अल्लाह ताला की देन होती है, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो इंसान को करना चाहिए कि वो दूसरे के साथ उसकी हेल्प करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारे पास जो नीलम वैली के में नगदर कराची के मकाम पर हमारा रेस्टोरेंट है, मुगल स्टार रेस्टोरेंट के नाम से है, और जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होकर जाते हैं। सीज़न में हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास होटलिंग होता है, हमारे पास रूम फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास गर्म पानी की फैसिलिटीज़ होती है, हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटीज़ होती है, हमारे पास रत्ती गली, बाबमन वैली और पतलियाँ वैली के लिए, झील के लिए और केल अड़ंग के लिए हमारे पास 4x4 गाड़ियों की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। 4x4 ये देख रहे हैं आप, हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और मुनासिब डिस्काउंट लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। असल में हमारा सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है, हमने किसी को रहने नहीं देता, हमारे पास इतने मुलाजम नहीं होते, तो हम जितना भी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करें और क्लाइंट से डिस्काउंट करके उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दें। तो इधर सीज़न में करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और आउट ऑफ सीज़न क्या क्या एक्टिविटीज़? देखें जी, सीज़न में हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन ऐसे हैं जो खुले होते हैं। अब सीज़न जब ऑफ होता है तो वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फबारी हो जाती है जिसकी वजह से वो क्लोज़ हो जाते हैं। सीज़न में हमारे पास जो फर्स्ट आता है आपको केरन अपर नीलम आता है, और उससे अगर बैक चले जाएँ कुनरशाही वाली साइड पर कुनरशाही वाटरफॉल आता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद आप पुट्टन जागरा वैली जा सकते हैं, उसके बाद अगर आप आएँ बाबून वैली है, ये भी बड़ी फेमस है और वहाँ जा सकते हैं, वो 4x4 ट्रैक्स हैं, बता रहे हैं 4x4 ट्रैक्स हैं। उसके बाद अगर आप जाएँ रत्ती गली झील पे, वो भी बड़ी फेमस है, वो भी 4x4 ट्रैक है, तो उस पर भी सीज़न में आप जा सकते हैं। जब सीज़न ऑफ हो जाता है फिर वो बंद हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ आ जाती है, सौ खाली हो जाती है। और उसके बाद यह है कि जो आगे वाला पॉइंट है वो पतलियाँ है, पतलियाँ झील है, वो भी बड़ा फेमस है, और जो आगे रोड जाता है जो मेन रोड है वो शारदा जाता है, बड़ी फेमस जगह शारदा, शारदा केल और अड़ंग केल, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ताऊबट है, उसके बाद हमारा बॉर्डर क्लोज हो जाता है, तो फिर वापसी इसी रूट से आप मुजफ्फराबाद, मरी और इस्लामाबाद की तरफ हो सकते हैं। थैंक यू। इधर बर्फ़ पड़ती है वैसे? जी, सीज़न में ये दिसंबर जनवरी में मोस्टली 3 से 4 फीट होती है, लेकिन ये फिर अल्लाह की कुदरत है, ये किसी साल होती है किसी साल नहीं होती, लेकिन ये कि मोस्टली होती है 4 से 5 फीट बर्फ़ होती है। ये 4 महीने होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो होते हैं ये सारे स्नोफॉल के होते हैं, जो पूरा कश्मीर है ओवरऑल। अच्छा फारूक भाई, आपके नंबर्स यही हैं या आप कुछ और नंबर बताना चाहते हैं? नहीं, जो हमारे पास ये पिनाफ्लेक्स के ऊपर लगे हुए हैं यही हमारे नंबर हैं, जो भी बंदा कांटेक्ट करे इन नंबरों पर वो अवेलेबल है, लेकिन ये मुख्तलिफ भाइयों के पास होते हैं, हम सारे भाई काम करते हैं यहाँ पे, सीज़न में हम यहाँ होते हैं और ऑफ सीज़न में हम इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन यह है कि जितने भी नंबर हैं ये हमारे अपने पर्सनल नंबर हैं, किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या जो भाई हमारे पास है ये जो यूट्यूब के चैनल की वजह से यहाँ पर हमारे पास आए हैं, तो इनके पास हमारे नंबर हैं, आप इनसे भी आप एक बार बोल के बता दें इस पे चैनल भी ना, ताकि मैं भी आपको फिर बता दें बोल के भी। जो मेरा नंबर है, जो पर्सनली मेरा नंबर है वो है 03556139942, 03556139942। ये हमारे पास जो कश्मीर में यही एक सर्विस चलती है एस काम के, ये एक आर्मी का प्रोसीजर है, ये चलता है, तो यही इसी में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसी पे हम कॉल भी या बाकी मैसेजेज भी कर सकते हैं आप। और ये PARC चैप्टर सदर हैं माशाल्लाह फारूक भाई, और हमारे टूरिस्ट भाई जब भी आएँ ये हमारे रेस्टोरेंट यहाँ पर खुशी डिस्काउंट होगी और फ़ोन करके आएँ ताकि इंतजाम अच्छे हो। माशाल्लाह फ्रेंड्स, थैंक यू फारूक भाई, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू जी। चैप्टर सदर हैं सर अब ये नीलम वैली के, अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा ये दसो कि हां मैं नहीं आ रहा, सारे आ रहे हैं, वो आ रहा कैमरा चल रहा है
ये वीडियो बन रही है? हाँ वीडियो बन। हाय गाइस, हाय गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम टू गाइस, अब्दुल वली टेक, अब्दुल वली टेक टेक फ्रेंड्स, पाकिस्तान एडवेंचर्स राइडर्स क्लब। मैं बर्फ को दिखाया ना, असल में रात से है दूसरे लड़के के पास, मैंने सेकंड मैंने कहा मेरे भी नौ शॉटर से आ रहे हैं, वो साइकिल पे ही आए। हाँ वो 125 है, रोड पे चली जाएंगी, ऊपर वो चली पाड़ी पे वहाँ भी जाएंगे, चली जाएंगे ना, बर्फ ज़्यादा तो नहीं ज़्यादा तो लोड भी होगा। सफर है नीचे जी, टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, रोड थोड़ा ख़राब है नीचे, काम क्या है लेकिन ये ना फिर इनको वापस उधर न जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे, टाइम से निकलेंगे चले जाएंगे। हाँ जी, हो सकता है सब रात हो गई थी, इस वक्त क्यों कह रहे हैं उनके लिए, हम उधर लोगों ने मना किया। अच्छा, हाँ लोगों ने इस वजह से मना किया होगा कि रात है अभी, हाँ जी मगरिब होने वाली थी, उन्होंने फिर लोगों ने मशवरा दिया कि आप इधर चले आए। जी मैं परसों आया हूँ। अच्छा तो वो रास्ता क्या सब सही है, इसका गाँव में होते आप? नहीं नहीं, मैं किसी मुजफ्फराबाद गड़ी दुपट्टा करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो चुंज का जो ऑफ रोड है वो कितनी देर का है, यानी कितना डिस्टेंस है ऑफ रोड वाला जो पार्ट, कच्चा रास्ता? कच्चा रास्ता तकरीबन आपको 20-25 मिनट लगेगा। अस्सलाम फ्रेंड्स, सो फारूक भाई ने हमें नाश्ते का ऑफर किया माशाल्लाह, अब हम उनके रेस्टोरेंट में इधर अंदर आके बैठ गए, जरा निग्गे होके बैठ गए, इसको कहते हैं निग्गे होके बैठना। तो बाहर से हम अंदर आए हैं तो हमें काफ़ी निग लग रही है, और अब हम आगे का प्लान कर रहे हैं। मुरीद भाई आज हमें किसी चुंज पे लेके जा रहे हैं, कश्मीर की बड़ी मशहूर चुंज है, चुंज पे चढ़ाना है उन्होंने, और बिलाल गुज्जर साहब जो है माशाल्लाह सब जज्बे के साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं पहले चढ़ेंगे, इनका मकसद है सबसे पहले हम इनके पीछे होंगे पकड़ने के लिए, सबसे पहले चढ़ते हैं सबसे पहले उतरते भी है। तो गाइस यो टाइम इतना कोई होने लगता है समझ, टाइम ठीक है पर काम कभी नहीं बंद है। मैं पर हो गया पूरे आ गया जल्दी आइए डॉक्टर साहब, एक पानी पियो। अरे माशाल्लाह फ्रेंड्स, गरम चाय एंड कश्मीर के पराठे, वाह यार वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, यू कैन सी जबरदस्त।